हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया जिला पढ़ाने वाले हैं। वह जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो सागर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक और नया जिला है छतरपुर जिला। आज हम जानेंगे कि छतरपुर जिला से कौन कौन से पॉइंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर या परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं या उपयोगी हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए, हम उन पॉइंटों को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो कम समय में हम बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इन पॉइंटों के साथ में। तो वीडियो में लगातार बने रहिए, हम बोर्ड पर उन पॉइंटों को लिखे देते हैं और एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपके सामने छतरपुर जिले के कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं, इन पॉइंटों को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले नंबर हम जानने का प्रयास करते हैं कि छतरपुर जिले की जनसंख्या कितनी है। तो छतरपुर जिले की जो जनसंख्या है वो 17,62,375 व्यक्ति यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। 375 व्यक्ति यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। तो सबसे पहले नंबर हमने छतरपुर जिले की जनसंख्या जान ली। एक बार पुनः जानने का प्रयास करते हैं कि 17,62,375 व्यक्ति यहाँ की जनसंख्या है। अब हम देखते हैं कि लिंगानुपात, मैंने हर वीडियो में आपके लिए बताया है कि किसी भी जिले का लिंगानुपात कहलाता है वहाँ की 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या रहती है वह वहाँ का लिंगानुपात कहलाता है। तो छतरपुर जिले में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 883। तो 883 यहाँ का क्या हो जाएगा, लिंगानुपात हो जाएगा। मतलब छतरपुर जिले का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 883 यहाँ का लिंगानुपात हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ की साक्षरता। साक्षरता मतलब होता है वहाँ के व्यक्ति कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं। तो छतरपुर जिले के जो व्यक्ति वो कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं, तो 63.7% 63.7% व्यक्ति यहाँ के छतरपुर जिले के कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले नंबर हम जानने का प्रयास करते हैं कि जनसंख्या घनत्व तो होता क्या है, कि इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो माप होती है या संख्या होती है वह उस जिले का जनसंख्या घनत्व तो कहलाता है। तो हम देखते हैं कि जो छतरपुर जिले का जनसंख्या घनत्व है वह 203 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। अब हम आगे जानने का प्रयास करेंगे क्या जिले का क्षेत्रफल। तो छतरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो 8,687 वर्ग किलोमीटर छतरपुर जिले का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। तो इन पॉइंटों को जान लिया हमने, और इन पॉइंटों को जानने के साथ में हमने छतरपुर जिले की सामान्य स्थिति को जान लिया। अब हम उन पॉइंटों को जानने का प्रयास करते हैं जो कभी ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं या आने वाले समय में आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट लिखा है कि राजा छत्रसाल के नाम पर इस जिले का नाम या यहाँ का नाम क्या पड़ा, छतरपुर पड़ा। तो छतरपुर नाम कैसे पड़ा, तो जो राजा छत्रसाल थे इनने बहुत समय तक इस स्थान पर शासन किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, छतरपुर पड़ गया। आगे देखते हैं छतरपुर का जो प्राचीन नाम है, तो छतरपुर को प्राचीन समय में झिझाक भुट्टी के नाम से जाना जाता था, इसीलिए जो सेकंड पॉइंट लिखा है कि छतरपुर का प्राचीन नाम झिझाक भुट्टी था। अब हम जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से प्रथम यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को एक संगठन है जो क्या करता है, विश्व धरोहर सूची बनाई जाती है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, इसमें जो कुछ खास खास स्थान है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है, यूनेस्को लेता है। तो उसी का पॉइंट है कि मध्य प्रदेश से प्रथम यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल खजुराहो के मंदिर हैं। खजुराहो के क्या है, मंदिर हैं। खजुराहो से हमारे मध्य प्रदेश को पर्यटन के रूप में हर साल लाखों रुपए की क्या होती है, आय प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश से प्रथम यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल खजुराहो के मंदिर हैं, और यह किस समय विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो उस सन को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, 1986 में छतरपुर जिले का जो खजुराहो, छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाला खजुराहो, खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है। तो इस प्रकार हमने आपके लिए कुछ पॉइंट समझाए हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इन पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो कॉमेंट करके बताइए। इस प्रकार वीडियो में बने रहिए, हम आगे चल के और छतरपुर जिले के पॉइंट आपको समझाते हैं।
मैंने बोर्ड पर छतरपुर जिले के कुछ और नेक्स्ट पॉइंट लिख दिए हैं, इनको भी समझने का सभी लोग प्रयास करेंगे। तो हम पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, क्या लिखा है। अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य समारोह खजुराहो में मनाया जाता है। अब ये खजुराहो है, यह किसके अंतर्गत आता है, यह आता है आपके छतरपुर जिले के अंतर्गत। तो अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य समारोह खजुराहो में मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है कि आदिवासी कला संग्रहालय खजुराहो में है। तो आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है, खजुराहो में है। आगे देखते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में है। यह कई बार पेपरों में पूछा गया पॉइंट है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। चार ऑप्शन दे देंगे आपके लिए, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन बना देंगे, तो जिसको पता होगा वो सही टिक लगा देगा। क्या है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, अपने खजुराहो में है। खजुराहो काय के अंतर्गत आता है, छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि खजुराहो को स्थापत्य कला का तीर्थ भी कहा जाता है। खजुराहो में बहुत से प्रकार के आपको दार्शनिक स्थल देखने मिल जाएंगे जिनमें बहुत सारी कलाकृति हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, खजुराहो को स्थापत्य कला का तीर्थ भी कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का तीर्थ किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है, खजुराहो को कहा जाता है। आगे देखते हैं कि हमारे छतरपुर में छतरपुर में एक मेला लगता है, वह कौन सा मेला है। तो छतरपुर में जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। छतरपुर में एक संग्रहालय भी है। तो आगे देखते हैं, छतरपुर का एक स्थान है, उसका नाम क्या है, नौगांव। बहुत अच्छे से सभी लोग समझना कि छतरपुर का एक स्थान है, उसका क्या नाम है, एक गांव का नाम है नौगांव। तो धुबेला संग्रहालय कहां पर है, नौगांव में है। तो धुबेला संग्रहालय नौगांव में है। आगे देखते हैं कि जब एक स्थान नौगांव हमने समझ लिया, तो आगे एक और पॉइंट है कि नौगांव में सवाई सिंह की समाधि है। सवाई सिंह कोई राजा हुआ करते थे, उनका नाम बहुत सारी जगह पर इतिहास में मिलता है। तो क्या है कि नौगांव में सवाई सिंह की क्या है, समाधि है। आगे देखते हैं कि पान उत्पादक जिला अपना कौन सा है, छतरपुर है। और इसके बाद में जटकरा में पुरातात्विक स्थल है। तो जटकरा एक स्थान का नाम है, यह कहाँ पे आता है, छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो जटकरा में पुरातात्विक स्थल है। तो इतने पॉइंट, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। पढ़ने को बहुत सारा है, लेकिन अपन को स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के साथ में ऐसे पॉइंटों को पढ़ना है जो कम समय में पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करवा सके। तो इसके पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा में बहुत सारे संभाग और जिलों को पढ़ाया है। उन सभी की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां पर जाकर आप उन सभी जिलों को पढ़ लीजिए, उन सबके नोट्स बना लीजिए। आपको एमपी पढ़ने की कहीं और से आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इस प्रकार आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम इसके छतरपुर जिले के कुछ पर्यटन स्थल और बचे हुए हैं, तो उनको भी समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने बोर्ड पर कुछ और छतरपुर जिले के पॉइंट लिख दिए हैं, उनको भी समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट है कि लकड़ी में नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला अपना कौन है, छतरपुर है। तो लकड़ी के लिए मतलब लकड़ी की जो कारीगरी होती है, कारीगरी का मतलब लकड़ी में जो डिजाइन बनाई जाती है, उसके लिए प्रसिद्ध जिला कौन है, छतरपुर जिला है। आगे देखते हैं कि केन नदी में कौन सा अभ्यारण है, केन अभ्यारण है। इसमें घड़ियाल एवं मगरमच्छ का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, अपना छतरपुर जिला है। आगे देखते हैं कि केन और बेतवा गठजोड़ के तहत, गठजोड़ एक परियोजना चलाई गई थी, इसमें जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनको एक साथ जोड़ा गया था। तो केन बेतवा गठजोड़ के तहत दोहन बांध बनाया जा रहा है। इन दोनों को साथ में जोड़कर कौन सा बांध बनाया जा रहा है, तो दोहन बांध बनाया जा रहा है, जैसा कि इसमें लिखा है। आगे देखते हैं कि हीरे का भंडार ज्ञात हुआ है। तो हीरे का भंडार कहाँ ज्ञात हुआ है, छतरपुर जिले में ज्ञात हुआ है। तो इस प्रकार हमने छतरपुर जिले के लगभग जो पॉइंट आते हैं पेपर में वो बताए हैं। अब हम देखते हैं उन पॉइंटों के लिए जो छतरपुर जिले में क्या है, पर्यटन स्थल है। तो बहुत अच्छे से देखना, बहुत सारे इसके मंदिर हैं, इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं कि महादेव मंदिर कहाँ पर है, छतरपुर जिला में है। 64 योगिनी मंदिर, यह भी छतरपुर जिले में है। विश्वनाथ मंदिर, यह भी छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। लक्ष्मी मंदिर, यह भी छतरपुर में है। और चित्रगुप्त मंदिर, यह कई बार पूछा गया है कि चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है। तो चित्रगुप्त मंदिर है वह कहाँ पर है, छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं कौन सा पार्श्वनाथ मंदिर, तो यह भी कहाँ पर है, छतरपुर जिले के अंतर्गत है। चतुर्भुज मंदिर आदि यहाँ की सब क्या है, दार्शनिक स्थल है।
हैं। तो इस प्रकार आपको चीजें समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप यदि एमपी कांस्टेबल का संपूर्ण सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।